Hello students and welcome back hope you all are doing well so we have started with english unit 9 unit 9 humne start kiya in that chapter number 9 the magic porridge pot so this chapter we have done the reading humne reading kar liya this chapter and with that i have also made you underline the new words yes so new words bhi maine aapko underline i have given to you and also pdf also have sent so that you can write it down your or new words in your notebook. Okay. So, today we will start with the blanks and the meanings of this chapter. Okay. So, you have to take out your pencil, keep it sharp, and your rubber as well. And now we will start writing the blanks and the meanings. ओके सो यूनिट नाइन में हमने पोयम से स्टार्ट किया था एंड आई टोल्ड यू टू राइट द पोयम राइट ग्रैनी ग्रैनी प्लीज को माई है ये पोयम मैंने आपको इसमें लिखने के लिए बोला था दिस विल टेक टू पेजेस एंड आफ्टर दैट हमने यूनिट नाइन का चैप्टर चालू किया था दैट इज द मैजिक पॉरेज पॉट एंड इसके भी न्यू वर्ड्स और न्यू वर्ड्स मैंने आपको लिखा दिए थे दैट वॉज ऑन ट्वेंटी फोर्थ को मैंने थ्री न्यूवर्थ लिखाया थे एंड ट्वेंटी सो दिस मच वी हैव कम्पलीटेड इट नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यू पेज सो टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट राइटिंग द मीनिंग्स एंड ब्लैंक्स ओके सो टेक आउट यूर शार्प पेंसिल एंड वी विल स्टार्ट राइटिंग ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट यू हैव टू स्टार्ट विथ यू है डे तो यहाँ हम आज का डेट लिखेंगे सो टू डेज टू सेवन ट्वेंटी सेवन जीरो वन ट्वेंटी ट्वेंटी टू ओके सो लाइक दिस वी हैव टू राइट फर्स्ट द डेट जिस दिन आप लिख रहे हो उस दिन का यहाँ पे डेट लिखना है देन ऑन दिस फर्स्ट लाइन मेक वन स्टार एंड वील स्टार्ट राइटिंग यीनिंग्स वी आर राइटिंग मीनिंग्स वो कैपिटल एम ई ए

राइट देर द मीनिंग कैपिटल एम ए आई सी मैजिक एम ए जी आई सी मैजिक मैजिक मतलब जादू है ना सो विल राइट द मीनिंग ऑवेयर सो यहां पे हमारे मीनिंग है सुपर नेचुरल इवेंट S U P E R N A T U R A L supernatural event. E V E N T T T event. Full stop. नंबर टू इस कुक सी डबल ओ के कुक कुक मतलब खाना बनाना है ना तो यहाँ पे लिखेंगे टी ओ टू प्रिपेयर पी आर ई पी ए आर ई प्रिपेर फूड f double o d food to prepare food now number three number three is spilling capital s p i double l i n g spilling and स्पेलिंग मतलब मैंने बताया था ना स्टोरी के अंदर स्पेलिंग मतलब जब ज्यादा भर जाता है तो हमारा गिरने लगता है ना सो दैट इज दो यानी के टी ओ टू ओवर फ्लो ओ वी ई आर एफ एल ओ डब्ल्यू ओवर फ्लो मतलब कोई भी चीज भर जाती है फिर वो गिरने लगती है ना बर्तन से दैट इज नोन एज स्पिलिंग मीन्स टू ओवर फ्लो यानी ज़्यादा भर जाता है तो वो गिरने लग जाता है ठीक है देन नंबर फोर इज होल कैपिटल डब्ल्यू एच ओ एल ई होल होल मतलब स्टोरी के अंदर सुना था ना आपने कि सारे गांव वाले आने लग गए थे एंड दे स्टार्टेड ईटिंग द पॉरेज है ना तो होल मतलब सारे लोग सो होल का मीनिंग होता है ऑल ए डबल एल ऑल और एंटायर टायर ई एन टी आई आर ई एन टायर एन टी आई आर ई एंटायर एंटायर मीट सब कोई सब कुछ ठीक है आई डबल एल एजी ई विज वॉट इज विलेज गाँव है ना सो यहाँ पे आंसर है A, ग्रुप ऑफ हाउसेस एच ओ यू एसई एस अ ग्रुप ऑफ हाउसेस अलेज मीन्स अ ग्रुप ऑफ हाउसेस यानी घर सा, बहुत सारे घर है ना तो उसको हम ग्रुप बोलते हैं सो ग्रुप ऑफ हाउसेस दिस इज मीनिंग्स ओके सो यू आर हैविंग योर फाइव मीनिंग्स Okay, one first one is magic that means supernatural event, cook that means to prepare food, spilling means to overflow, whole, all or entire, village, a group of houses. Okay, so this was the meanings. Now we will come to the blanks. फॉर ब्लैंक्स वी विल टेक आउट द न्यू पेज एंड न्यू पेज में टूडे डेज नहीं डालना है बिकॉज दिस आफ्टर मीनिंग्स ओनली यू आर गोइंग टू राइट ओके सो जस्ट यू हैव टू फुट द स्टार एंड स्टार्ट राइटिंग कैपिटल एफ आई डबल एल फिल आई एन इन टी एच ई द B L A N K S blanks fill in the blanks okay and put the underline there okay now we are doing fill in the blanks leave one line and start number one capital T A R A Tara एल आई वीई डी लिव्ड डब्ल्यू आई टी एच विथ हर एच ई आर हर डैश किसके साथ रहती थी तारा विथ हर मदर येस वेरी गुड सो अपनी मम्मा के साथ सो so, राइट ये मदर एम ओ टी एच ई आर मदर सो वॉट इज द क्वेश्चन तारा लिव विथ हर मदर ओके okay, तारा किस के साथ रहती थी अपनी मम्मा के साथ रहती थी है नाउ सी द नंबर टू नंबर टू विल राइट Capital D A R A Tara A N D And H E R Her M O T H E R Mother W E R डैश तारा और उसकी मम्मा क्या थे बहुत गरीब थे पुअर सोराबल ओ आर पुअर पी डबल ओ आर पुअर तारा एंड हर मदर व्यर पुअर तारा और उसकी मदर बहुत यानी गरीब थे ओके नाउ विल राइड द थर्ड वन नंबर थ्री कैपिटल टी ए आर ए तारा एम ई टी मेट ए एन एन किससे मिली है तारा मेट एन डैश किससे मिली ओल्ड वुमेन ये सो लिख दो ओ एल डी ओल्ड वुमेन डब्ल्यू ओ एम ए एन ओल्ड वुमेन तारा मेट एन ओल्ड वुमेन वेरी गुड नाउ कमिंग टू फोर्थ वन नंबर फोर Capital T H E the Magic M A G I C Magic P O T Pot W I double L Will S T a R, t start C double o, K, I, N, G, cooking p o double R, I, D, G, e, porridge W h e एन वेन वाई ओ यू यू एस ए वाई से क्या बोलने से मैजिक पॉट स्टार्ट करेगा कुकिंग कुक पॉट कुक वेरी गुड सो राइट देयर सी डबल ओ के कुक इन बिटवीन यू हैव टू पुट वन डैश देन राइट देयर पी टी पॉट एंड अगेन पुट द डैश एंड राइट सी डबल ओ के कुक सो आंसर इज कुक पॉट कुक तो जब हम लोग पॉट को बोलेंगे कुक पॉट कुक सो दिस पॉट विल स्टार्ट कुकिंग द पॉरेज ठीक है सो दिस मच ओनली फोर ब्लैंक्स है यी चार ब्लैंक्स है जो आपको यहाँ पे इन दिस नोटबुक यू हैव टू write down okay in a neat handwriting so today what we have done we have done the meanings and fill in the blanks that you have to write down in your notebook in a neat handwriting okay meanings in one page and fill in the blanks in one page in neat handwriting only you will write okay so we will meet in next class in that we will write the question answers okay Till then, complete the notes and do learn it as well. Thank you.